अस्सलामुअलैकुम, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। और हम अपना आज का ये व्लॉग यहीं से शुरू कर रहे हैं। इस वक्त तकरीबन दोपहर के 3 बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं जरूरी काम से एक दुकानदार के पास। हमें जाना है तो अब हम वहाँ जा रहे हैं, उसके बाद फिर आएंगे, फिर आगे क्या मसरूफियात होंगी अभी कुछ नहीं पता। जैसे दिन गुजरता जाएगा वैसे वैसे आप बताते जाएंगे। आप दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आइए अपना आज का ये व्लॉग यहीं से शुरू करते हैं और एक बार फिर आपको कर देते हैं वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग। अभी आप लोग देखते रहें, इंजॉय करते रहें, पसंद आए, दिल करें तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं। तो जैसा कि दोपहर में गए थे काम के लिए, दुकान वगैरह पे जाना था दो चार जगह, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह से होके घर आ गए हैं। मगरिब की नमाज़ भी हो चुकी है, अब तो ईशा का टाइम भी हो चुका है और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह फ़्रेश हो गए, तैयार हो गए, रेडी हो गए। अब ज़रा दुकान की तरफ जाना है, वहाँ कुछ काम है तो दुकान जाएंगे। फिर उसके बाद वही जो रात की आजकल सिचुएशन बनी हुई है, हॉस्पिटल वगैरह हो सकता है वहाँ भी जाना पड़े। और वो एक जगह और जाना है, वो कहाँ जाना है वो अगर गए तो आके बताऊँगा जब जाऊँगा। अभी आप देखते रहें और दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व्लॉग पूरा देखना, ठीक है। आपको बताया था दुकान जाना है और इस वक्त सजाने वाली दुकान पर मौजूद हूँ और शोर हो रहा है, जनरेटर चल रहा है, लाइट नहीं है तो हो सकता है आवाज़ क्लियर ना रही हो। सजाने वाली दुकान पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ कुछ काम के हवाले से आया था, कुछ काम था तो अपना वो काम करेंगे, फिर इंशाल्लाह घर जाएंगे। और बस आप लोग देखते रहें और दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी अपना काम कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे जो भी होगा। बस आप लोग देखो, व्लॉग पूरा देखना और दिल करें सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो वेलकम बैक जी। इस वक्त जैसा कि आपको मैंने बताया था, शायद आपको अगर याद हो, व्लॉग आप देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि आज व्लॉग लेट भी शुरू किया था काम की वजह से, फिर चले गए थे, फिर उसके बाद घर आए, फ्रेश हुए, फिर दुकान की तरफ चले गए थे, फिर और काम थे, तो फिर सारे काम निपटा के जब घर पहुँचे तो फिर फौरन कॉल आ गई थी कि जाना है हमने हॉस्पिटल की तरफ, तो फिर व्लॉग बनाने का मौका नहीं मिला। बस घर गए, फ्रेश हुए और डायरेक्ट निकल गए। तो इस वक्त कार में मौजूद हैं, आप देख लें, ये कार में हम मौजूद हैं और अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। लेकिन पहले हम दूसरी जगह जाएंगे, आज हमने ज़रा एक मज़ीद कंसल्टेंट से मशवरा करना है, थोड़ा सा कंडीशन के हवाले से रिपोर्ट्स हमारे पास हैं। तो बस आप दुआ करें कि जिन परेशानियों में हम हैं अल्लाह ताला बेहतर करे, आफियत फरमाए और सेहत याबी दे। क्या बस आप लोग दुआ करें और अच्छा लग रहा है, लोग समझ आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दें। अभी जा रहे हैं डॉक्टर के पास, एफ ही जा रहे हैं हम, वहाँ कंसल्टेंट को दिखाएंगे, उसके बाद फिर जाएंगे सैमरोज। बस आप देखते रहें और दुआ करें, अल्लाह ताला आफियत फरमाए, दुरूद पाक पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद भी आपको डिटेल देते रहेंगे जैसा भी होगा। इस वक्त आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि दुआ करें और बस दुआ करें। अभी हम जा रहे हैं, आप ही देख लें, फिर इंशाल्लाह बाद में आपसे बात होती है, ठीक है जी। दुआओं में ज़रूर याद रखें और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वक्त सैफी हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और थोड़ा लेट हो गए हैं, डॉक्टर उठने वाला है, जल्दी से अंदर जा रहे हैं, कंसल्टेंट से हम मिलने आए हैं, जब अंदर जा रहे हैं बाकी बाद में बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सैफी में भी हैं, बाकी बाद में। इस वक्त सैफी में ही मौजूद हैं। टाइम डॉक्टर से मिलने का हमारा 9 बजे तक का था, लेकिन हम लेट हो गए थे क्योंकि दुकान की तरफ निकले हुए थे कुछ कामों के सिलसिले में, आपको पता है। तो तकरीबन पहुँचते हमें यहाँ पे टाइम तकरीबन 11 बज गया। अभी डॉक्टर का वेट कर रहे हैं, डॉक्टर पेशेंट को चेक कर रहे हैं और फिर से फ्री हुए तो फिर उसके बाद हम यहाँ डॉक्टर से फ्री होते होते वहाँ टाइम लग गया था। वहाँ से फ्री होते ही सैमरोज से डॉक्टर की कॉल आ गई कि जी मैं आपका वेट कर रहा हूँ, तो वहाँ गए फिर फौरन। व्लॉग बना नहीं सके थे, मौका नहीं मिला। फिर सैफ में भी कंसल्टेंट से बात हुई और आज सैमरोज में भी जो हमारे डॉक्टर जो बच्चे को देख रहे हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने कोई कंडीशन अच्छी नहीं बताई है। फिर उन्होंने दोनों ने हमें कहा कि आप आगा खान चले जाएं, वहाँ के डॉक्टर्स को दिखाएं, उनसे मशवरा कर लें। तो इस वक्त हम आगा खान में मौजूद हैं, ये आगा खान के अंदर की फुटेज है थोड़ी बहुत, तो जाहिर सी बात है बात तो कर नहीं सकते, इसलिए कुछ वॉइस ओवर करी है, आप देखें। और दुआ करें अल्लाह ताला आफियत फरमाए,
तबीयत सही करते और जो भी मामला आते सबके हक़ में बेहतर करें। बस दुआ करें और दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अभी मौजूद हैं आगा खान में, यहाँ आए थे, वो आपको बता दिया क्यों आए थे, तो घर जा रहे हैं, मिलनी है यहाँ पे, बाकी बात घर जाके। जो मौजूद तो इस वक्त हम आगा खान में ही हैं, अभी जा रहे हैं घर की तरफ, घर जाके बताएंगे आपको डिटेल क्या है, क्यों आए, फिर बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुँच गए और टाइम इस वक्त तकरीबन आप देख सकते हैं 3:30 हो रहे हैं, और अभी घर पहुँचे हैं, गए थे आज हॉस्पिटल। फिर आपको हमसे क्लिप भी शेयर की थी, आप सोचते हो अभी मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन आपको क्लिप देख चुके होंगे कि हम आगा खान से गए थे, आप सोच रहे होंगे क्यों गए थे। तो यह है कि डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चे की कंडीशन सही नहीं है, तो बच्चा एडमिट है, तो हो सकता अल्लाह ना करे ज़रूरत पड़े, लेकिन डॉक्टर के हिसाब से हो सकता ज़रूरत पड़ जाए। डॉक्टर्स ने समरी दी थी, डॉक्टर ने कहा आप जाके ये वहाँ चेक करा दें बच्चे की तबीयत के हवाले से, तो वहाँ भी गए थे। बहरहाल दुआ करें ताला आफियत फरमाए, बच्चे की तबीयत सही हो जाए, और जो उसके हक़ में बेहतर है ताला हम सब के हक़ में बेहतरी लाते हुए उसके हक़ में ही बेहतर करते हुए आफियत फरमाए। मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, आज दिन बहुत मसरूफ़ गया, आज का टाइटल भी यही होने वाला है, बहुत मसरूफ़ दिन था आज। तो यार आप लोग दुआ करें ताला मेरे लिए भी आसानियाँ फरमाए, मैं भी कुछ अपनी परेशानियों में उलझा हूँ, बस आप दुआ करें ताला आफियत फरमाए, आसानी फरमाए। कल इंशाल्लाह फिर आपसे किसी नए ब्लॉग में मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं सामने अजमीर भाई बैठे हुए हैं, मैं ब्लॉग एंड कर रहा हूँ और ये बैठे हुए हैं, तो बस आप दुआ करें ताला आफियत फरमाए और अपनी दुआओं में याद रखें, दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी वजह से आज का ब्लॉग भी छोटा बनाया, ज़्यादा बन नहीं पाया इतना ख़ास। तो कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए और दुरूद पाक भी पढ़ लीजिए, और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़ाहिर सी बात है आपके लिए ज़्यादा अच्छा कंटेंट हम ला नहीं पा रहे, तो उसके लिए भी माजरत। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, सी यू अगेन, हमारा ब्लॉग देखते रहें, और ये अजमेर को भी देख लें।